हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो। तो आज निफ्टी बंद हुआ है लगभग एक्सपायरी के दिन 370 पॉइंट नीचे 15,340 पे हम बंद हुए 2.35% लॉस के साथ। तो जहाँ एक्सपेक्टेड था उसी तरह से हमने जो है तो जैसे ही रिजेक्शन लिया वीक के चार्ट पे, अभी हम जो है तो एक डीपर करेक्शन मूव में है। और यहाँ जो तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम फॉल एक्सपीरियंस कर रहे हैं मार्केट में। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे 30 वीक के लिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है लगभग 5.5% नीचे, लगभग 880 पॉइंट लॉस के साथ। और अभी तक ये वीक खत्म नहीं हुआ है, कल का दिन बाकी है। हमने आज जो है तो उसका 100 वीक का जो एवरेज था वो टेस्ट किया, उसके नीचे जो है अभी नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 14,700 के अराउंड, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि एज अ टारगेट है मीडियम टू लॉन्गर टर्म। अभी हम जो है तो 14,700 की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर वो टूट जाता है तो 13,700 के लेवल आपको इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म देखने को मिल सकते हैं। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि आज किस तरह से जो है तो कैंडल बनी है, एक सिग्निफिकेंट कैंडल है। जब तक ये कैंडल का हाई नहीं निकलता तब तक जो है तो मुझे लगता है कि जो सेंटीमेंट है वो चेंज नहीं होगा। नीचे की तरफ अभी जो है तो 15,080 का लेवल एज ए टारगेट बचा हुआ है। तो आपको शायद कल के दिन ये 15,080 और 15,000 का लेवल जो है तो निफ्टी दिखा सकता है। अभी आवरली चार्ट देखते हैं। तो आवरली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हम जो है तो मंथ लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं और ये बहुत ही एक बीरिश फिनोमेना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने ट्राई किया था तो मंथ का लो उसे होल्ड करें, मगर आज के दिन गैप ओपनिंग के बाद हमने जो है तो दिन भर निफ्टी में रिकवरी ही देखी है और मुझे लगता है ये कल भी कंटिन्यू हो सकती है। ऊपर की तरफ जो है तो एज पर डेली चार्ट जो मुझे रेजिस्टेंस दिखते हैं वो है लगभग 15,600। और तो कल अगर बाउंस बैक आता है मार्केट में और 15,600 का लेवल मिलता है तो आपको निफ्टी पे शॉर्ट जाना चाहिए। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, अभी वोलेटाइल एनवायरनमेंट रहेगा तो स्टॉप लॉस थोड़े से डीपर और बड़े रखने पड़ेंगे। तो स्टॉप लॉस रहेगा कल के ट्रेड के लिए लगभग 16,750 पे, तो 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे जो मेरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 15,100 का, तो 600 से लेकर 100 तक तो लगभग 500 पॉइंट की रैली मिल सकती है आपको रिस्क के 150 पॉइंट की, तो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। तो कल के लिए मेरा जो ट्रेड रहेगा अगर 600 के अराउंड मुझे निफ्टी मिलता है तो मैं सेल करना चाहूँगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 16,750, टारगेट रहेगा 15,100 सॉरी फिर से एक बार रिपीट करता हूँ 15,600 के अराउंड आप बेचेंगे। स्टॉप लॉस 15,750, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट 15,100 पॉइंट का टारगेट। तो यहाँ मुझे लगता है कि कल जो है अगर बाउंस बैक आया भी तो आपको लेटर हाफ में जो है तो मार्केट में अच्छी खासी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ सेल ऑफ प्राइस रही है। अगर निफ्टी जो है तो 15,100 के नीचे स्लिप करता है या 15,000 के नीचे स्लिप करता है ऑन डेली एंड वीकली बेसिस तो आपका जो है तो ये रैली 14,700 तक भी जाती हुई दिखेगी। ये जो सेल ऑफ है ये कंटिन्यू हो सकता है 14,700 से लेकर 600 तक। तो यहाँ जिस तरह से मैंने कहा था और आपको ऑलरेडी ये इंटीमेट किया था, यहाँ जो है तो जो भी इन्वेस्टर है उनके पास अगर प्रॉफिट है तो बुक कीजिए या फिर ट्रेडिंग स्टॉप पर आ गए। अभी यहाँ आपको जो है तो कैपिटुलेशन दिखेगा, बहुत सारे जो स्टॉक ओवर वैल्यूड ओवर प्राइज स्टॉक है वो सभी जो है तो अंडर वैल्यूड और अंडर प्राइज लेवल पे आएंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह से उनमें फॉल आ सकता है, वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं। उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे कि कौन सा स्टॉक किस तरह से और कितना टूटा है, कौन से जो है तो विनर हो सकते हैं उसमें से लॉन्गर टर्म में, जिनमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, उसका भी मैं वीडियो जो है तो आगे चल के हम उस पर बनाएंगे। कल के लिए मेरा जो ऑप्शन रहेगा वो 15,700 का पुट लेकर चलेंगे हम इन द मनी पुट जून एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी का, उसमें एक्यूमुलेट करेंगे। उस पर डिप पे जब निफ्टी फ्यूचर 600 के अराउंड आएगा तब उसमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट करेंगे।
स्टॉप लॉस सेम रहेगा 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी फ्यूचर पे, और टारगेट अगर आता है 15,100 का तो मुझे लगता है कि उस ऑप्शन में हमें 2x गेन देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी जो राय रहेगी वो रहेगी 15,700 का पुट ऑप्शन खरीदने की, वो भी हमें डिप्स पे बाय करना है, वो भी 6 स्टॉप लॉस के साथ, जहाँ जो है तो वोलेटिलिटी एट पीक रहेगी। जो छोटे ट्रेडर है उन्हें जो मार्केट है तो वो वाइप आउट करते रहेगा हर दम, क्योंकि ये जो मूव आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि जो वीक हैंड है वो मार्केट से पूरी तरह हट जाए और जो मेजर हैंड से वो मार्केट को अपनी तरह से बराबर से चलाए। तो आपको यह वोलेटिलिटी हाई दिख सकती है, मगर आपको जो व्यू रखना है वो बेरिश रहेगा, टारगेट रखना है 15,100 का। सो आई होप सो ये जो एनालिसिस है ये आपकी हेल्प हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना है तो लाइव मार्केट फॉलोअप एंड सपोर्ट, तो मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।